हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने अपने आईपीसी फिनिश कर ली थी, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि नेमिंग कैसे करेंगे बच्चों। ठीक है, तो कुछ मैंने आईपीसी यहाँ पे लिख रखी है बोर्ड पर, जिनकी मैं आज आपको नेमिंग करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो ओवरऑल आई होप कि आप लोगों ने सारे रूल्स पढ़ लिए होंगे। सो मिलते हैं इंट्रो के बाद। सो बच्चों देखो, अगर हम लोग इसकी नेमिंग करना चालू करें तो बच्चों आप लोगों को रूल्स याद होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, देखो सुनो, आप लोग सबसे पहले इसमें से लॉन्गेस्ट चेन चूज करोगे। तो मैंने आपको बोला था, देखो अगर आप ये चूज करते हो तब भी तीन कार्बन आ रहे हैं आपके, ये वाले चूज करोगे फिर भी तीन ही आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग स्टेट चेन को प्रायोरिटी पहली दोगे। ये चेन हमने ले ली हमने, ठीक है। नंबर करना चालू करें, इधर से करो चाहे इधर से करो, आपके सस्टेंट दोनों क्या जाएंगे, इक्वली आएंगे। तो मैं इधर से कर लेता हूँ, एक दो तीन। ठीक है बच्चों, अच्छा अब रूल पे आओ। रूल क्या कहता है आपका, सबसे पहले परफिक्स। परफिक्स में क्या देखते हैं बच्चों, सब्सटेंट। सब्सटेंट क्या है, यहाँ पर दो हैं बच्चों, क्या है आपके दो, दोनों क्या है आपके मिथाइल। तो हम कह सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, 2.2 डाई मिथाइल, क्या लिखोगे बच्चों, डाई मिथाइल। ठीक है, दूसरा वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है बच्चों, एक दो तीन, तीन कार्बन है तो क्या आएगा, मीथ इज प्रॉप, क्या बच्चों आएगा, प्रॉप। और तो कुछ है नहीं है, प्राइमरी सफिक्स प्रोपेन, सेकेंडरी सफिक्स है ही नहीं, तो बच्चों ये इसका क्या हो गया, नेम। क्लियर है, ठीक। दूसरे पर आते हैं ना, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ये चूज कर लिया हमने। ठीक है, नंबरिंग करो, देखो इधर से करोगे तो एक दो, दो पर आ रहा है तीन, तीन और दो पाँच, इधर से करोगे तो एक दो तीन, तीन पर आ रहा है चार, तीन और चार सात, इधर से ज़्यादा बैठ रहा है आपका, इधर से कम बैठ रहा है, तो नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखो तो सबसे पहले हमारा क्या है, परफिक्स। परफिक्स हमारे दो हैं, CH3 और C2H5। बच्चों इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। इसको क्या बोलेंगे, इथाइल। अब किसका नाम पहले दें, किसका किसका दें, तो मैंने आपको सिखाई थी क्या, ABCD आती है ना, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली अगर आप लोग बात करोगे तो आपको पता है इथाइल में ई पहले आता है कि एम पहले आता है, बोलो बोलो, ई पहले आएगा या एम पहले आएगा। तो आपको पता है कि क्या आ गया पहले, ई, तो क्या नाम दोगे, तीन पर है ना, तो क्या नाम दोगे, थ्री थ्री इथाइल, क्या नाम दोगे, थ्री इथाइल। क्लियर है, थ्री इथाइल, उसके बाद टू मिथाइल, टू मिथाइल। क्लियर, ठीक है। इसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या कहता है, नंबर ऑफ कार्बन कितने, एक दो तीन चार पाँच, पाँच का नाम क्या, मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट, क्या नाम आएगा, पेंट। क्लियर है, पेंट दे दिया। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड है सब में, तो पेंटेन, क्या हो गया, पेंटेन। सेकेंडरी सफिक्स है ही नहीं, तो आपका ये हो गया आईपीएसी नेम बच्चों। क्लियर, ठीक। तीसरे पर आते हैं, सबसे पहले चेन चूज कर लो, ये कर लिया हमने चेन चूज। ठीक है, नंबरिंग करते हैं, तो देखो सुनो, मैंने आपको बोला था नंबरिंग में पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को दोगे, ठीक है, दूसरी प्रायोरिटी आप लोग किसको दोगे, जो आपका डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड और उधर ही रखा था, बड़े समय दे रखा है, देखो डबल बॉन्ड। अब देखो डबल बॉन्ड किधर से पास में पड़ेगा, इधर से करोगे तो एक दो, दो पर आ रहा है, इधर से एक दो तीन, तीन पर आ रहा है, तो नंबरिंग किधर से करोगे बच्चों, इधर से एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, ठीक। अब सबसे पहले नाम दोगे सब्स्टिट्यूएंट का, परफिक्स, पहला रूल आपका। ठीक है, तो क्या आएगा, फोर ब्रोमो, फोर BR को क्या बोलेंगे, ब्रोमो, क्या बोलेंगे, ब्रोमो, फोर ब्रोमो। फिर क्या है, वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन कितने, एक दो तीन चार पाँच, क्या दोगे, पेंट, क्या नाम दोगे, पेंट। अच्छा अब प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड तो A है नहीं, डबल बॉन्ड तो E है नहीं, और ट्रिपल बॉन्ड तो Y है नहीं, और डबल बॉन्ड है इसमें, तो कितने पर है डबल बॉन्ड आपका, एक दो दूसरे कार्बन पर है, तो टू ई एन ई, टू ई एन ई। ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स तो है नहीं, तो बच्चों ये आपका क्या हो गया, नाम, आईपीसी नाम हो गया। ठीक है, अच्छा इसकी बात करें तो चेन चूज कर ली हमने पहले। ठीक है, अब देखो पहली प्रायोरिटी, देखो सुनो, हम लोग पहली प्रायोरिटी किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं इसमें, सेकंड प्रायोरिटी डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट, तो बच्चों डबल बॉन्ड है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो पहली प्रायोरिटी किसको, डबल बॉन्ड को, तो आप देखो डबल बॉन्ड किधर से पास में पड़ेगा, एक दो तीन चार, चार पर आ रहा है इधर से, एक दो तीन, एक दो, दो पर ही आ रहा, तो इधर से नंबरिंग करोगे, एक दो तीन चार पाँच और एक छः। क्लियर है, ठीक है। अब देखो सुनो ध्यान से, देखो नंबरिंग कर लिया हमने, अब देखो सबसे पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या है आपका, CLE है बस इसमें, तो क्या लिखोगे, थ्री क्लोरो, क्या लिखोगे, थ्री
क्लोरो, नंबर ऑफ कार्बन कितने बच्चों, छः, हेक्स, ठीक है। फिर क्या आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि दो सफिक्स दे रखे हैं आपके पास, तो दो सफिक्स हैं तो पहले डबल बॉन्ड का नाम दोगे। तो देखो सुनो, हेक्स एच दे रखे हैं आपके, ठीक है, तो सबसे पहले आपके क्या होगा, हेक्स टू ई एन ई, टू ई एन ई, और ये कितने पर रहा, फोर पर, फोर वाई एन ई, ठीक है, और तो दे नहीं रखा, सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, बस हो गया आपका इक्वेशन है। अब बच्चों आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, अगर आपको नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए प्लीज़ आप, है ना। लेकिन आईपीएससी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, चैप्टर्स के लिए, ठीक है, बोर्ड के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। अच्छा, इसके अगर नेम करें, चेंज चूज कर ली सबसे पहले बच्चों, यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, तो पहली प्रायोरिटी तो फंक्शनल ग्रुप ही है आपकी, तो आप नंबर यहीं से कर दोगे, एक दो तीन चार, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या देखते हो, परफिक्स, परफिक्स क्या है यहाँ पे, आई, आई को क्या लिखेंगे, आइडो, तो कितना लिखोगे, थ्री आइडो, क्या लिखोगे, थ्री आइडो। अच्छा, उसके बाद आप लोग बच्चों क्या करोगे, थ्री आइडो हो गया आपका, है ना। इसके बाद वर्ड रूट, कितने कार्बन है, चार, तो क्या लिखोगे, मीथ ईथ प्रो ब्यूट, क्या लिखोगे, ब्यूट, क्या लिखोगे, ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स बच्चों दे रखा है, डबल बॉन्ड कितने पर है, तीन पर है, नहीं सॉरी इधर से कर रहे हो ना, तो वन टू सेकेंड पर है, कितने पर है, सेकेंड पर, तो टू ई एन ई, है ना, सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, तो इतना नहीं है, सेकेंडरी सफिक्स है, सॉरी 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 है बेटा, है मेरे चुलबुलो, है, देखो देखो सेकेंडरी सफिक्स है आपका, ओ एच कितने पर है, फर्स्ट पर, तो वन ऑल, क्या कर दोगे, वन ऑल, भाई ओ एच का सफिक्स क्या था, ऑल था, रख दिया, चेंज यूज कर लिया हमने इसमें भी, ठीक है, चेंज यूज कर लिया हमने इसमें, बोलो, ठीक है। अच्छा, तो नंबर किधर से करोगे, तो मैंने बोला फंक्शनल ग्रुप इधर से पास में होगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप सी एच ओ दे रखा है, देखो जरा फंक्शनल ग्रुप सी एच ओ दे रखा है, तो इधर से करोगे, तो एक दो तीन चार पाँच छः, चार पाँच छः, ठीक है, तो छः हो गए आपके। नाम नेम नंबर नहीं करोगे तो पहले परफिक्स क्या है, क्लोरीन बाहर निकला हुआ, तो टू क्लोरो, टू क्लोरो, ठीक है, कितने कार्बन है, सिक्स, हेक्स, क्या नाम दोगे, हेक्स, ठीक है, टू क्लोरो हेक्स। उसके बाद एज अ प्राइमरी सफिक्स आपके पास डबल बॉन्ड दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है, एक दो तीन, तो थ्री, थ्री ई एन ई, थ्री ई एन ई, क्लियर। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, थ्री ई एन ई हो गया आपका, ठीक है, अब थ्री ई एन ई यहाँ पे कंप्लीट हो चुका आपका, देन हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, ठीक है, ये सफिक्स हो गया आपका, फंक्शनल ग्रुप दे रखा है इसमें आपका, क्या दे रखा है, सी एच ओ, किसका है बच्चों, अल का, तो क्या लिखोगे, वन अल, एल्डिहाइड का, क्लियर। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो ये हमने चेंज यूज कर ली, क्लियर। इसमें हम लोग नंबरिंग करेंगे, देखो तो किधर से करेंगे, डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड है नहीं इसमें, तो सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड को, तो एक दो तीन, एक दो तीन दोनों से इक्वल बैठ रहा आपका, कहीं से भी कर लो, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। तो देखो सुनो, अब इसमें आपको नंबरिंग देनी है, तो सबसे पहले सब्सटेंट का नाम, अब आप सोचो आई पहले आता है कि सी पहले आता है, ऑब्वियस ही बात है सी पहले आता है, तो क्या लिखोगे, टू क्लोरो, टू क्लोरो, फाइव आइडो, फाइव आइडो, देन नंबर ऑफ कार्बन सिक्स, हेक्स, हेक्स, ठीक है, और सुनो, हेक्स हो गया, ठीक है, उसके बाद हाँ नंबर ऑफ कार्बन हो गया, प्राइमरी सफिक्स ट्रिपल वन लगा हुआ है, तो इधर से देखोगे तो तीन पर लगा हुआ है, ठीक है, तो थ्री वाई एन ई, क्या लिखोगे, वाई एन ई, सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, बस ये हो गया बच्चों आपका नेम। तो बच्चों देखो, हम लोगों ने आईपीएससी तो देख ली अपनी सारी की सारी, ठीक है, हमने ओवरऑल आईपीएससी देख ली, हमने आईपीएससी अपनी फिनिश कर ली है, ठीक है। मैं कुछ आईपीएससी आपको करने के लिए दूंगा, आप उनको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके देना, ठीक है, मैं एक चेक करूंगा और डेफिनेटली उनका आंसर्स दूंगा बच्चों, ठीक है, कि आपने सही बताया या गलत बताया, ठीक है। तो मैं कुछ आईपीएससी लिखने वाला हूं, जो कि मैं आपको ऐसा देने वाला हूं, ठीक है, तो मैं रफ कर रहा हूं इसको, तो कुछ आईपीएससी मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है, उनको आप सेल्फ करोगे। और बच्चों एक बात का ध्यान रखो, एक बात का और ध्यान रखो कि आपकी जो एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखी है, देखो कुछ बच्चों ने मुझे पूछा था कि आपकी जो बुक है वो कौन सी प्रेफरेबल रहेगी, तो बच्चों एनसीईआरटी सबसे आगे है, नमन करो एनसीईआरटी को, मेरा मानना तो यही है, ठीक है, एनसीईआरटी को पहली प्रायोरिटी दो, जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए देन आप अदर कुछ अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज एनसीईआरटी को आप पहली प्रायोरिटी लेके चलो बच्चों, ठीक है, मेरा मानना तो यही है। कुछ मैं आपको आईपीएससी दे रहा हूँ बच्चों, वो आप घर से करना, ठीक है। तो बच्चों मैं कुछ आपको आईपीएससी दे रहा हूँ,
ये आपको घर से करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स देने बच्चों, ठीक है? कमेंट सेक्शन में बच्चों आंसर देना इनके, ठीक है? नेक्स्ट बच्चों कमेंट सेक्शन में कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आंसर दे सकें मुझे, ठीक है? एक और दे रहा हूँ मैं आपको 3 IPC दे रहा हूँ, देखते हैं कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, ठीक है? सिर्फ उसके लिए कि आप लोग कितना सीखे इससे। तो बच्चों आप लोगों को बताना है, ठीक है? ठीक है, तो देखो सुनो, स्क्रीन शॉट ले लो पहले आप लोग इसका, ले लिया? ठीक बच्चों, देखो मैंने आप लोगों को है क्या IUPAC कम्प्लीटली सिखा दिया है, कुछ मैंने आपको घर के करने के लिए दे दिए हैं, ठीक है? प्लस मेरा मानना फिर भी यही है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको आएंगी, ठीक है? पहले रूल्स पढ़ो, रूल्स के बाद आप प्रैक्टिस करो तो आपका आ जाएंगे, ठीक है? दूसरी चीज़, मैं आपके नोट्स हैं जो आपके इस चैप्टर के नोट्स हैं वो मैं कमेंट सेक्शन में आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो आप वहाँ से नोट्स भी प्रेफर कर सकते हो, है ना? बस एक चीज़ का ध्यान रखो कि आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, तो मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको और वीडियोज़ और पार्ट्स अपलोड करा सकूँ, ठीक है? और हाँ, आपकी स्ट्रेटजी वीडियो की डिमांड आ रही थी, तो मैं अगर जितना जल्दी हो सकेगा एज सून एज पॉसिबल मैं आपको स्ट्रेटजी वीडियो भी अपलोड कराऊंगा, ठीक है? क्योंकि बच्चों के बिलीव से बनता है बच्चों HOD। सो थैंक यू सपोर्ट मी, थैंक यू सो मच।